Hey guys, welcome back to the channel. This is Samir and you are watching MSQ Vlogs. So guys, हम लोग हैं भिवंडी में मोनू भाई के साथ. इस वीडियो में हम लोग आपको बीटल की जो अपना बुलेट राजा है उसकी ब्रीड भी दिखाएंगे और एक और बकरा है जो हम लोग आप लोगों को बताएंगे और ये दोनों हैं अवेलेबल फॉर सेल है ना. ठीक है, तो आइए बात करेंगे मोनू भाई से. अस्सलाम वालेकुम मोनू भाई. वालेकुम सलाम भाई. तो मोनू भाई, पहला तो हम लोग बुलेट राजा की ब्रीड से ही बात शुरू करेंगे, है ना, क्योंकि काफी चर्चित रहा है वो बकरा पिछले साल और अभी भी है चर्चा में माशाल्लाह से. और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने उसका वीडियो शूट किया है, तो ब्रीड दिखाना भी जरूरी है ताकि श्योरिटी पक्की हो जाए. अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये जो बकरा है ये बुलेट राजा का ही बच्चा है. ठीक है, तो ये अभी इसकी क्या डिटेल्स वगैरह है और ये कब से यहाँ पे है? आपने इनको इसको सेल आउट किया अपने दोस्त को? मैं सेल आउट किया हूँ. दोस्त मेरा वो वीडियो में नहीं आ रहा है. ओके ओके. तो उसको मैं बोला कि चल के मैं दिखा देता हूँ. अभी उसको सेल करना है तो ये फिलहाल इसकी कीमत जो भी आ जाएगी अपने जो अपन रिपोर्ट कर रहे हैं तो वो हिसाब से सेल भी कर देंगे. ठीक है, अभी क्या डिटेल पे है ये, क्या दांत वगैरह किया? बच्चा मैं दिया था उसको 18-19 किलो का बच्चा दिया था. ओके, छोटा. वो भी बहुत शौकीन था, बहुत नाम मतलब बुलेट राजा का, जब उसका नाम सिंह बकरा भी था. तो मैंने उसको बच्चे देता और आज बकरा लगभग 90 किलो प्लस है. खाली मैं भाई से बोलूंगा स्क्रीन पे ना, खाली एक दो वर्ड खाली इनके बारे में बोल दे मोनू भाई से. आपने बकरा लिया, आप खुश है, आपको रिजल्ट कैसा मिला? बुलेट राजा का बच्चा है ये, ब्रीड है, तो आप उससे सेटिस्फाई है? बस ये माशाल्लाह जैसा नाम है. पहले तो आपका नाम बताइए. मैं जाहिद अंसारी. ओके. मैंने मोनू भाई से बच्चा लिया था कुछ इसको 18-20 केजी पे मैंने बच्चा लिया था. ये बुलेट राजा का बच्चा था और सिर्फ उसके नाम पे मैंने बच्चा लिया था और आज माशाल्लाह रिजल्ट उसका. अच्छा, दूसरी बात ये कि मोनू भाई बता रहे थे जब अपना बकरा इतना फेमस हुआ भी नहीं था. नहीं, उससे पहले उसी से पहले अपने लिए ले चुके थे शायद इसका पहला या दूसरा बच्चा था बुलेट राजा का. ओके, उसमें से एक बच्चा मैंने लिया था ये. ओके, तो आप खुश है बकरा? हाँ माशाल्लाह, देख रहे होंगे वीडियो में कैसा है बच्चा है. ओके मोनू भाई, अभी इसका क्या वेट होगा? 90 प्लस है और छठे दांत पे भी है. अभी इसने आठ भी नहीं किए. ओके, और अभी इसमें अगर इसको जैसा आपका कॉन्सेप्ट है सेमी भराई या फिर ऐसा कुछ तो ये भी जाएगा 130-135 तक? अभी बकरी तक इंशाल्लाह अगर ये लेवल पे रहेगा तो ये 110 किलो एकदम आराम से पहुंच जाएगा, एकदम इजीली जाएगा. ओके, अगर बकरे इत तक. अच्छा, आपके अगले साल के लिए भी बकरा रखते हैं तो उसके लिए भी तैयार है क्योंकि इसके पैर और अभी से बहुत मजबूत है माशाल्लाह. बहुत ज्यादा मतलब अगर इसके ऊपर अच्छा खासा लोड भी आया तो ये झेल ले. बराबर, इसकी हाइट भी लगभग 40 आराम से आएगी. और बढ़ेगी हाइट और बढ़ेगी इसकी? अच्छा, दूसरी बात मैं ये पूछ रहा था, आपने प्योर ब्लड लाइन से ही करवाया, पंजाबी से पंजाबी करवाया या फिर कोई और बकरी? मतलब अभी कैसा था जब उस टाइम पे ना बकरियों का उतना वो नहीं था, अपने मेवाती भी क्रॉस किए बकरे को. ओके, और हैदराबादी जो शॉर्ट कान के बकरियां रहती थी उसको भी क्रॉस किए. खाली फ्रेम बकरियों का बड़ा रहना चाहिए तो वो हिसाब से ही अपने को रिजल्ट. अच्छा, अभी हम लोग इसको क्रॉस बोलेंगे या प्योर ब्लड लाइन बोलेंगे? अभी तो चीज तो आपको 19-20 दिख रही है. 19-20 में तो 80 है. मैं अगर एक नए इंसान के नजरिए से देखूं जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, खाली उसको पता है कि बीटल बड़ा होता है, बड़ी फ्रेम होती है, ऐसा होता है, तो वो उसको पहचानेगा ही नहीं कि ये बीटल किसी और बकरी से क्रॉस होके ये आया हुआ. मैं ये बोल रहा हूँ, तो आपके हिसाब से इसको भी अपन वही बोल सकते हैं, बीटल ही बोलेंगे कि क्रॉस बोलेंगे? नहीं नहीं, ओरिजिनल बीटल है क्योंकि इसकी आईज भी वाइट है और इसकी चपटी सिंग भी है जो सिंग मानी जाती है बीटल के लिए. अच्छा, हाँ सिंग भी इसकी सेम आई है. सिंग भी आई है और चेहरे में थोड़ा बुलेट राजा थोड़ा क्रॉस हुआ है, हल्का लेकिन वो मैटर नहीं करती है. बाकी फ्रेम, हाइट, वेट, ये सारी चीजों में तो इसने पूरा लिया हुआ है. कान भी उसी की तरीका है. ठीक है, तो अब हम लोग ये बकरे की बात करेंगे. ये कौन सी ब्रीड में है अपने पास? ये तो पतीरे में ही गिनती होती है. पतीरे में, लेकिन ये कुछ क्रॉस है ना? हाँ, थोड़ा क्रॉस में ही हो गया. थोड़े बड़े हो गए सिंग, बड़े हो गए और एक ब्लैक हो गया. बाकी बकरा पूरा एकदम व्हाइट है, गुलाबी चमड़ी में है, कलर वगैरह तो बहुत अच्छी है इसकी माशाल्लाह.
अगर दिन होता तो हम लोग इसका स्लोमो वगैरह लेते, लेकिन वो बाहर हो चुकी है, रात हो चुकी है, बहुत एग्रेसिव है, मारता बहुत है। हाँ एग्रेसिव है बहुत। तो इसकी क्या डिटेल्स वगैरह है? ये भी लगभग 65 से 70 किलो के आसपास होना चाहिए, है ना। और ये कितने दांत पे है? ये भी वही दांत है, कितना? 6 दांत। ठीक है, तो ये 6 दांत पे 65-70 केजीज का वेट होगा। ठीक है, और अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो प्राइस हम लोग कैसा कोट कर रहे हैं? फोन पे देंगे? फोन पे। नंबर किसका देना है? क्या जाहिद भाई का देना है, आपका देना है? नहीं नहीं, मैं आपका नंबर दूंगा, बिजी आती है। अच्छा, तो एक नंबर कोशिश करेंगे, अगर उनका भी डालेगी। दोनों नंबर दे दूंगा, आपका भी दे दूंगा, भाई का भी दे दूंगा, तो दोनों नंबर पे। उसमें क्या क्लैशेस होते हैं? आपको फोन आएगा, आप उनसे परमिशन लोगे, ये ऑफर आ रहा है, वो ऑफर। उनको फोन आएगा तो सीधा रहेगा कि भाई इतने में देना है, ये इतने में नहीं देना है, यस और नो, डायरेक्ट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसमें वो मनु भाई का जरूरी है, मतलब वो अपन डिसाइड करके आपको बता देंगे कि नंबर मेरा तो कंफर्म डालना ही है, वो हम ऑफ कैमरा पे कर लेंगे। हाँ, जिसका क्या करना है, ठीक है, और उसका क्या उसको थोड़ा बात करके अपन क्या बात, ठीक ठीक ठीक, जरूरी भी है ना, दो जन अगर अटेंड करेंगे फोन को। हाँ हाँ सही है। ये गुलाबी है तो इसका रेट भी हाई होगा, है ना? नहीं, लेकिन ज्यादा क्वालिटी के ऊपर, क्वालिटी अच्छी है लेकिन रेट थोड़ा मुनासिब ही रखना। नहीं नहीं, मुनासिब रेट है। हाँ, ताकि लोग लोग है ना, लोग जो सामने आके बकरा देखेगा ना, वो बकरा देखने के बाद भी बात करे तो फिर अच्छी बात है। मैं तो हर वीडियो में बोलता हूँ कि बकरा आके देखे लाइव अपनी आंखों से। अभी ये बकरे की वीडियो में नहीं, वो पार्ट एडिट करना पड़ेगा। आप ऐसा पकड़ के खड़े रहो,